निंदा मिलता है जहाँ जो रिचुअल जो आज जो करता है। वैसे हम दोनों का मिला हुआ बहुत पहले मिल चुका है, हम लोग ऐसे बच्चा बच्चा भी हो गया है। फिर भी एक नियम होता है हम लोग का एज ए ट्रेडिशन में, तो ट्रेडिशन में नियम करना जरूरी इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर नियम ना करो तो हम लोग ऐसे बिलीवर है, जैसे हम लोग ट्रेडिशन में जाता है तो बिलीवर है, अगर नियम ना करो तो हम लोग को ऐसे बिलीव करता है कि उसका जो सोल जो है, क्योंकि हम जो है मेरा मिसेस को उसका घर से लेके आता है तो उसका सोल जो है मेरा ताबा घर में होना है। जब भी जब हम लोग यहाँ रिचुअल करता है तो वो सोल जो है उसको गिन नहीं पाता जब तक हम लोग वहाँ से बुला के, उसका शरीर तो आ जाता है लेकिन आत्मा लेके आना ये जरूरी पड़ता है। तो हम लोग ये बिलीव है ट्रेडिशन में कि न्यदा इसलिए ही करता है, जब भी हम लोग पूजा पाठ करते समय में भी उसको अपना नाम से पुकार के लेके आता है। जैसे कि वो वेली है लेकिन मेरा इधर में तवा में नहीं हुआ अभी तक। तो निदा में यही होके चैंटिंग होके जाता है यहाँ से, उसमें दापो दीत करता है। दापो में हम लोग कसम खा के रखता है, दापो मतलब एक पिलर होता है बेम्बू ये का काट का जो उसमें गिन के रखता है, वो रिचुअल के हिसाब से है। तो वहाँ से उसको हम लोग ऐसे यजयल बोलता है, यजयल मतलब सोल को उसको लेके आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग निदा करने का, हम जो मिसेस को उसका आत्मा को भी शरीर का साथ में आत्मा को भी लेके आया। Oh, yeah.
यदा मैं हम लोग ऐसे स्पिरिचुअली लेके आता है जो जिसको अपना जीवन साथी बनाने के लिए, तो स्पिरिचुअली जब लेके आता है घर में, हम लोग अपना चौकी में रख के ब्लेसिंग को लेता है। तो यदा का एक्चुअली प्लानिंग जो ऐसे था कि पिताजी बहुत इंटरेस्टेड था कि पहला बेटा को ले दिया एंड दूसरा बड़ा बेटा को भी ले दिया, तो हमको भी ले देने के लिए बहुत इच्छा था। तो मेरा ससुर बुरी कई बार एक दो बार पूछा है, तो उस समय में शायद से समय थोड़ा ठीक नहीं था, तो जो विविध आ गया है, बहुत कुछ हैपनिंग हो गया है, तो वो सब होने का वजह से निदा जो है एक्सटेंड हो गया, और हर कोई रिलेटिव्स हो, भाई बहन हो, हर कोई पूछने शुरू हो गया कि आपका निदा क्या हो गया बोल के। निदा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मानते हैं हम, तो निदा क्या हो गया बोल के पूछने शुरू हो गया। तो अभी हम भी क्या बताएगा, समय ऐसा था कि बोल ही नहीं पाया। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो निदा जो है डिसाइडिंग फैक्टर जो है मेरा ससुर बुरी जो अकानी वेली है, बिग रेस्पेक्ट टू हर, तो उसको हम बहुत तहे दिल से हम बोलता है कि वो ही एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर था आयु जो है। कोनिया को मिलने, हम न्याना बोलता है उसको, उसका मिलने वाला बैक साल 2005 को हम लोग मिला था नवंबर को। बहुत पुराना हो गया, अभी टोटल करने से हम लोग का रिलेशन का 18 ईयर्स हो गया। उस समय में अगर शादी हुआ तो हम लोग का शायद 17 ईयर्स का बच्चा होना था। तो फिलहाल अभी हम लोग का 9 ईयर्स का एक बेटी है और 6 ईयर्स का बेटा है। Things I like about her is starting से हम देखा है down to earth है, और and she is so jolly, मतलब जो energy level जो है उसका jolliness जो है, I find her मतलब so attractive जो, plus height अच्छा है, वो height अच्छा का वजह से भी हम उसको दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है वो भी है। और being a character and she has got that character जो 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 हम पसंद करता है वो करेक्टर उसमें है, जैसे कि केयरिंग नेचर जो है वो उसमें है, बहुत केयरिंग है, प्लस एंटरप्राइजिंग है वो, एंड शी नोज हाउ टू मिंगल सो क्विकली विथ एनीबॉडी, वो एक क्वालिटी है उसमें। देखा जाए तो मतलब प्यार का वजह से ही है, एंड शी रेस्पेक्ट मी एंड आई रेस्पेक्ट हर, वी आर लाइक फ्रेंड्स। मतलब वेस्ट लाइफ का एक तो बहुत फेमस सॉन्ग था उसमें सेइंग आई लव यू बोल के, हम ऐसे बोल के अप्रोच किया था उसको, तो वो सॉन्ग से हम उसको बोला, शायद से हम उसको उसमें दिल जीता था। Saying I love you is not the words I want, जो साथ का जो बात है वो तो हम तो सोचते हैं कि मरते दम तक रहेगा साथ में हम लोग, जोरी ऊपर से बना के बेचता है तो वही होगा शायद, वो मेरा पहला प्यार है, हम उसका पहला प्यार है, तो उससे और बढ़ के कुछ बोल ही नहीं पाएगा हम, तो हम थैंकफुल है वो मेरा साथ है अभी।
दिल से रेस्पेक्ट है मेरा भैया लोग को, भाभी लोग को, और मेरा जितना भी माँ बाप लोग है, दुगने लोग है, एकदम दिल से ओपनली किया जो मेरे लिए किया, मेरा मायकी मम्मी के लिए किया है, और मेरा बच्चा लोग के लिए, परिवार के लिए किया, हम ये हमेशा दिल में रखेगा। और ज़रूरत पड़ने से हम भी ट्राई करेगा, जैसे आप लोग किया है, हम भी मेरा तरफ से ट्राई करने के लिए कोशिश करेगा। और हम एज ए रेस्पेक्ट से हम बोलता है एकदम सभी को, मतलब थैंक यू, बहुत अच्छा लगा इस बार जो देखा है, हम जो जेदा में जो खुल के जो पार्टिसिपेट किया है, प्यार जो आपने दिया है इस बार दिखाई दिया है। और जो भी है मेरा फैमिली मेम्बर, मेरा मिसेस का तरफ से फैमिली मेम्बर्स को भी हम तहे दिल से थैंक यू देता है। भैया, भाभी, जिया जी, बहन, दीदी, सब साथ में, मेरा रिलेटिव्स लोग में, मेरा भैया लोग में, ऊपर से सागली से भी भैया लोग जितना भी है, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत ही अप्रिशिएट करता है मेरे तरफ से। हम एकदम दिल से हम रेस्पेक्ट एंड थैंक यू। उम्मीद करता है कल को जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम आगे आने के लिए कोशिश करेगा। और मेरा जितना भी रिलेटिव्स था सभी को थैंक यू इसमें प्रेजेंट होने के लिए, दिल से इतना ही बोल सकता है।